नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों जिंदगियां छीनने के साथ ही करोड़ों लोगों को सड़क पर ला दिया है। महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है और करोड़ों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। बेरोजगारी की दर बेतहाशा बढ़ी है। एक निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे के नतीजे बड़े डरावने हैं। इस सर्वे में काम की तलाश कर रहे बेरोजगारों और कुल श्रमिक बल के बीच अनुपात की स्टडी की गई है। CMIE की यह रिपोर्ट बताती है कि इस साल लॉकडाउन के चलते तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। इसकी वजह से बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ी। अप्रैल में जब लॉकडाउन का दौर शुरू ही हुआ था तब देश में बेरोजगारी की दर 7.97% थी। अप्रैल मई में लॉकडाउन को सख्त किया गया क्योंकि कोरोना का पीक चल रहा था। इसी महीने बेरोजगारी दर का भी पीक आया और यह बढ़कर 11.9% पहुंच गई। सरकार कह रही है कि इस बार का लॉकडाउन पिछली बार की तुलना में काफी फ्लेक्सिबल यानी लचीला रहा है। पिछले साल जून के महीने की शुरुआत में बेरोजगारी दर 10.18% थी। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में रहने वाले 14.773% लोग इस साल मई तक पूरी तरह बेरोजगार हो चुके थे। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 10.63% का रहा है। पिछले साल जब सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की तो अप्रैल के ही महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 23.5% पहुंच गई थी। रिपोर्ट बताती है कि इस साल मई के महीने में देश भर में केवल 37.54 करोड़ लोगों के पास ही रोजगार है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ढिलाई और सरकार की लापरवाही इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने की वजह बनी।